मामला है शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत डी कोसुंभा गांव का, जहां एक मजदूर ने काम करने का मेहनताना मांगा तो बदले में उसे मालिक और उसके बाल बच्चों ने मिलकर लोहे की सरिया से बेरहमी से पीटा। मजदूर की हालत काफी नाजुक है, जबकि मजदूर की पहचान शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के गिरहिंडा निवासी योगेश्वर महतो का पुत्र राहुल कुमार है। घायल अवस्था में राहुल को स्थानीय लोगों ने शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए उसे पावापुरी अस्पताल रेफर कर दिया है, ताकि पावापुरी में राहुल को बेहतर चिकित्सा मिल सके। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राहुल ने बबलू महतो के घर में छत निर्माण के लिए सेटिंग किया था और उसी की मजदूरी की 30,000 रुपए बाकी थे। बराबर मांग किए जाने के बाद पहले तो डी कोसुंभा गांव निवासी बबलू महतो ने राहुल को यह कहकर गांव ले गया कि चलो तुम्हारे 30,000 बकाया रुपए गाँव में दे देंगे, लेकिन गाँव ले जाते ही उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। फिर बबलू महतो शैलेंद्र महतो और उसके पुत्र ने मिलकर रोहे की फिर बबलू महतो शैलेंद्र महतो और उसके पुत्र ने मिलकर लोहे की रॉड से मजदूर की पिटाई कर दी। ऐसे में मजदूर राहुल की स्थिति चिंताजनक है। जरूरत है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। शेखपुरा से स्वदेश वाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। क्या हुआ घटना? घटना राहुल कुमार को शायद शाम 5:30 बजे ले गया था बबलू महतो, और ले जाने के बाद वहाँ उसके साथ मारपीट किया। कहाँ ले गया? घाट कुसुम्भा ले गया, बी कुसुम्भा। कहाँ? बी कुसुम्भा। क्या नाम था जिसको मारपीट हुआ जिसके साथ? राहुल कुमार। कौन कौन मारा? बबलू कुमार और उसका साथ बेटा था। अच्छा 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 क्या करता है ये राहुल? सेल्टिंग का काम करता है और बाबूलू कुमार ठेकेदार है सेल्टिंग का। अच्छा, कितना बकाया था? 30,000 बोल रहा था। तो कितने बजे मारपीट हुआ है? 8 बजे। ठीक, क्या नाम है आपका? नवीन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।